वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एज यू ऑल नो अवर चैनल नेम, व्हाट इज अवर चैनल नेम? द नेम ऑफ अवर चैनल इज स्टडी विद साक्षी गौर। एंड बट इंट्रोडक्शन अबाउट माय चैनल, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर साइंस शॉर्ट ट्रिक्स एंड नाउ फॉर ओलंपियाड्स एज वेल। वेरी सो ये ग्रेट न्यूज़ है कि हमारा ये स्टडी विद साक्षी गौर के चैनल पर ओलंपियाड भी सिखाएंगी। ओलंपियाड में क्या होगा? NSO के बारे में पढ़ाएंगे, NSO क्लास 8। सो ये हमारे चैनल का लोगो है, दिस इज़ माई फोटो हेयर एंड दिस इज अदर थिंग्स एंड अ बिग हेलो टू ऑल एंड एवरीवन। मैंने इतना अच्छा GIF लगाया था यहाँ पे, पर वो विजिबल नहीं है, बट इट्स ओके। सो हेलो हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो, सभी को बहुत बड़ा हेलो। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सो कंटेंट्स फॉर टुडे, एक सेकेंड, मैं येलो कलर ले लेती हूँ। कंटेंट्स फॉर टुडे, इंट्रोडक्शन टू अवर न्यू सब्जेक्ट ओलंपियाड फॉर क्लास 8 बट ओनली फॉर द एस्पायरेंट्स ऑफ। अरे इसके बाद किसने नहीं, इसके बाद लिखा ही नहीं हुआ। NSO के एस्पायरेंट्स के लिए है, NSO के एस्पायरेंट्स के लिए है। सो फर्स्टली सिलेबस ऑफ NSO के बारे में पढ़ेंगे, बुक ऑफ NSO NCERT। तो इसमें कौन कौन से सिलेबस हैं? बुक है NCERT, आपको वो पढ़नी है, और वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। फुल डिस्कशन अबाउट अवर प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी विद साक्षी गौर, ये हमने पहले ही कर ली है, पिछली साइड पर चल के देख लेते हैं दोबारा से। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विद साक्षी गौर, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर साइंस शॉर्ट ट्रिक्स एंड नाउ फॉर ओलंपियाड एज वेल। सो ये हमने कर लिया है हमारी क्विक इंट्रोडक्शन। सो यस यस यस, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक तो आपने कर ही दिया होगा अभी तक। तो चलिए, सो वाई आई एम वेटिंग, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्टली अ क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट ओलंपियाड, then we will discuss how to crack olympiad exam, best book for olympiad for grade 8 nahi likha yahan pe, and tomorrow we will going to start the syllabus of olympiad NSO, a big news, a biggest news ever that we will start tomorrow, shubharam karenge tomorrow olympiad NSO ke liye, so a big news for all of us। और सिलेबस हम हर बार आगे से शुरू करते हैं और हम बोर हो जाते हैं, दोबारा से वो ही, इतने बार चैप्टर पढ़ लिया आप दोबारा से ये चैप्टर। आज से हम क्या करेंगे, आपके इंटरेस्ट के लिए हम चैप्टर को पीछे से शुरू करेंगे, जैसे कि पहले हम 18th चैप्टर करेंगे, फिर 17th चैप्टर, ऐसे करेंगे ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। चलिए नेक्स्ट करते हैं, लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। यस इंट्रोडक्शन, वो इंट्रोडक्शन पर पहुँच गए हम। थोड़ी सी स्लाइड्स हैं यहाँ पर, ये देखिए, थैंक्स फॉर, थोड़ी सी स्लाइड्स हैं, टू स्लाइड्स, थ्री स्लाइड्स। सो इंट्रोडक्शन, NSO और द नेशनल साइंस ओलंपियाड। सो NSO की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल साइंस ओलंपियाड एक कंपटिटिव एग्जाम है जो सा एवरी ईयर स्कूल स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट किया जाता है, और ये NSO साइंटिफिक रीजनिंग और लॉजिकल एबिलिटी को देखता है स्टूडेंट्स की। और जो सी NSO ये कैसे ऑर्गेनाइज किया होता है? ईयर के बेसिस पर। और ये कौन ऑर्गेनाइज करवाती है? साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन। साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन और भी बहुत सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करवाते हैं, जैसे IEO, IMO, NSO, बहुत सारे एग्जाम्स। अगर आपको उसके बारे में भी वीडियो बनवानी है, अगर पता है कि मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लासेस 1 to 12 आर एलिजिबल टू अपेयरिंग इन इट। सो स्टूडेंट्स कौन सी क्लास में, जो से 1 to 12 तक के क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो इसमें पार्ट ले सकते हैं। सो सिलेबस है यहाँ पर 1 to 4 क्लासेस के लिए, 35 क्वेश्चंस आपको आंसर करने होंगे 60 मिनट्स में, मतलब एक घंटे में 35 क्वेश्चंस। सेक्शन 1 मेंटल एबिलिटी के 10 क्वेश्चंस होंगे, साइंस के होंगे 25, ठीक है। 5th to 12 की बात करते हैं, यही हमारे काम का नहीं है, ठीक है। हम 5th
हम बड़ी क्लास में पढ़ते हैं तो हमें बड़ा वाला आना चाहिए। एक सेकेंड। हाँ, द पार्टिसिपेंट हैज़ टू आंसर 50 questions 60 मिनट्स। ओह माय गॉड, गंदा कलर लग रहा है ना। 50 क्वेश्चंस को आंसर करना है 60 मिनट्स में, तो बहुत कम टाइम मिलेगा हमें। तो सेक्शन वन होगा मेंटल एबिलिटी का, जिसमें होंगे 15 क्वेश्चंस। सेक्शन टू होगा साइंस का, जिसमें होंगे 35 क्वेश्चंस। और अचीवर सेक्शन भी होगा, जिसमें आपको 1 question 3 marks का कैरी होगा। वो सारे क्वेश्चन ठीक हुए तो आपका गुड लक है। सो अब सिलेबस की बात कर लेते हैं, कौन कौन सा सिलेबस आएगा। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, मटीरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कॉल एंड पेट्रोलियम, कंबशन एंड फ्लेम, कन्वर्जेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, सेल्स, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, फोर्स एंड प्रेशर, फ्रिक्शन, एक सेकेंड में दिखना, फ्रिक्शन, साउंड, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, साउंड, सम नेचुरल फिनोमिना, लाइट, स्टार, सोलर सिस्टम, पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। इसमें 17 चैप्टर आ रहे हैं, पर हमारी एनसीईआरटी में 18 चैप्टर हैं। तो इसमें हमारा चैप्टर 11 जो है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस नहीं आ रहा है। हमारा चैप्टर 11th रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, ओह माय गॉड व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, ये नहीं आ रहा है हमारे इस एनएसओ के एग्जाम में। और एक बात बता दूँ, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग भी आएगी, वर्बल प्लस नॉन वर्बल रीजनिंग भी आएगी, तो उसके लिए भी पढ़ाई कर लीजिएगा। सो अब बात आती है बेस्ट बुक्स फॉर ओलंपियाड, ओलंपियाड के लिए बेस्ट बुक्स। तो फर्स्टली एनसीईआरटी बुक ऑफ साइंस, तो ज़्यादातर है ना एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठा के वो डाल देते हैं, ठीक है, पर थोड़ा सा मोल्ड करके डाल देते हैं, तो एनसीईआरटी की बुक अच्छी तरह से पढ़ेगा। उसके बाद बुक्स ऑफ एमटीजी कोच, तो मैंने यहाँ पर एमटीजी कोच की बुक की पिक डाली है, ये कोच की बुक, ये देखिए 8th class की बुक है, वर्क बुक है। आपको ये बुक आप अगर इसको बाय कर पाते हैं तो इट्स अमेजिंग। एनएसओ का लोगो है ये, नेशनल साइंस ओलंपिया। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन। सो बाय बाय एवरीवन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, एक सेकेंड दोबारा से लिख देते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। सो लेट्स गो, एंड प्लीज़ अगर आपने अभी तक इस ओलंपियाड टेस्ट के लिए एनरोल नहीं किया, गो एंड एनरोल इट राइट नाउ आप इसको एनरोल कीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय एवरीवन।